समस्तीपुर में पुलिस ने पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिलो के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डीएसपी सवान हबीब फाकरी के नेतृत्व में नगर थाना अध्यक्ष अरुण राय, सदर अंचल के विक्रम अचर, नगर थाना के सुनील कुमार, एसआई अनिल कुमार, डीआईयू के संदीप पाल की टीम ने एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को दबोचा है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम ने एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को धर दबोचा है। बताया जाता है कि आरोपी युवक अपने आप को 2014 बैच का आईपीएस अधिकारी अमन प्राशर बताता है। युवक का असली नाम अविनाश कुमार मिश्रा है एवं युवक दरभंगा जिले के अशोक पिपर मेला थाने के पतौड़ गांव निवासी शोभाकांत मिश्रा का पुत्र है। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार युवक को समस्तीपुर के बड़े पद पर पदस्थापित प्रशासनिक अधिकारी का संरक्षण प्राप्त था, जिसके कारण कई बार उसे बचाया जा चुका है और इस बार भी बचाने का प्रयास किया गया था। युवक अपने आप को 2014 बैच के आईपीएस बताता है। उसने एक युवती को आईपीएस के नाम पर शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ यौन शोषण किया। गिरफ्तार युवक के पास से आईपीएस का फर्जी फ्लैप, एक रिवॉल्वर, एक लैपटॉप एवं गोली बरामद की गई है। इस संबंध में नगर थाने की पुलिस ने कांड संख्या 184 दर्ज कर अनुसंधान जारी की है तथा युवक अपराधी का इतिहास भी खंगाला जा रहा है। युवक वर्ष 2017 में भी फर्जी आईपीएस बनने के आरोप में जेल जा चुका है। युवक पर दरभंगा जिले के अशोक पेपर मिल थाने में कांड संख्या 129/2017 दर्ज है। बीएनबी न्यूज के लिए समस्तीपुर से संवाददाता दिव्यांशु राय की रिपोर्ट। थाना में बहुत थाना में एक लड़की ने आवेदन दिया था, वो शख्स हैं जो अपना नाम अविनाश मिश्रा बताते हैं, अमर पराशर बताते हैं और वो 2014 बैच का आईपीएस अफसर बताते हैं और ये बता करके और शादी का प्रलोभन देकर के उनके साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में उस लड़की को ये पता चला कि ये आईपीएस अफसर में ही एक पदवी है, जिसके बाद उन्होंने हमारे थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद हम लोगों ने FIR दर्ज किया और FIR दर्ज करने के बाद उनके ऊपर छापेमारी करी गई, जो अविनाश मिश्रा है अमन पराशर जो कुछ उनके ऊपर छापेमारी करी गई, उनके पास से आईपीएस की वर्दी, पिस्टल, मोबाइल और भी चीज़ें बरामद हुई, जिसके बाद आपके गिरफ्तारी की सूचना मिली है। पिस्टल क्या सरकारी पिस्टल है सर? अब तो इस संबंध में हम लोग जाँच करेंगे, ठीक है, कहाँ से आए, इनके पास पिस्टल LIC है कारगर है कि नहीं है, वो तो जाँच करते हैं। इसके अलावा भी वो पहले भी कहीं जेल जा चुके हैं, पहले भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है, ये पहले भी दरभंगा में एक थाना है ATM वहाँ से फर्जी IPS बन करके ये जेल जा चुके हैं और भी इनका आपराधिक इतिहास हम लोग। नौकरी के नाम पर यहाँ किसी को झांसा देके पैसे से की भी उगाही करने की बात आ रही है सामने, वो जांच का विषय, उसकी जांच कर रहे हैं हम लोग, जांच में आएगा और भी अगर भी किसी के साथ उन्होंने ठगी करी होगी IPS बन करके तो सारी चीज़ें इसी के लिए। कई महत्वपूर्ण प्रोग्राम में उन्होंने प्रोग्राम भी किया है, भाषण वगैरह भी दिया, इसका कुछ वीडियो वगैरह वायरल हो, हाँ सब जाँच का विषय, वो जाँच कर रहे हैं।